नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बनाएंगे रबड़ीदार चावल की खीर। इसके लिए लेंगे 1 लीटर दूध। मैंने यहाँ गाय का दूध लिया है, आप चाहे तो भैंस का भी ले सकते हैं। अगर आप पैकेट वाला दूध ले रहे हैं तो फुल फैट दूध ले। और अब लेंगे 1/3 कप चावल। खीर बनाने के लिए छोटा ही चावल ले। अब लेंगे 1/4 कप चीनी, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू। इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया है, आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चढ़ाएंगे 1 कढ़ाई। अब इसमें हम डाल देंगे दूध। सबसे पहले हम दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम चावल धो लेंगे। अब इसमें उबाल आ चुका है, अभी हम इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे। कुछ कुछ देर पर इसको हम चलाते रहेंगे और इसके साइड को हम मिलाते रहेंगे ताकि दूध जल्दी गाढ़ा हो जाए। 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से उबाल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल, इसको चलाएंगे। चावल को हम 80% पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे केसर, इसको मिला लेंगे। अगर आपके पास केसर ना हो तो छोड़ दें। केसर डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और इसका कलर भी अच्छा आता है। अब हम चावल को कुछ देर पकने देंगे। इसके साइड को हम मिलाते जाएंगे। अब चावल 80% तक पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, इसको मिला लेंगे। आप ध्यान रखें कि चीनी बाद में ही डालें। अब हम इसको कुछ देर और पका लेंगे, इसको हम चलाते रहेंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। चावल हमारा पक चुका है, ये देखिए। इसको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। अब ये हो चुका है, गैस बंद कर देंगे। लो जी, तैयार है रबड़ीदार चावल की खीर। तो आप सब भी इसे बनाइए और कैसा लगा खा के कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।